चैनल किसान इंडिया भी 25 में आज मैं बात करता हूँ सरसों की खेती के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पास में आओ कैमरा लेकर, ये जो इसकी फली है कितनी अच्छी हो रही है, क्योंकि इसमें क्या है, जब हम दोबारा से जब करते हैं यानी कि जब 2 महीने की फसल हो जाती है तो कौन कौन सी खाद हमें लगानी चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। काट दो। जैसा कि आप देख रहे हैं, पराकण के समय जब मधुमक्खियां वगैरह बैठती हैं 2 महीने के बाद हमारी फसल में, तो किसान भाइयों परागण के समय हमें कौन सा न्यूट्रिएंट लगाना चाहिए। सबसे पहली बात तो परागण के समय जब होता है, परागण यानी कि जब मधुमक्खियां वगैरह आ जाती हैं, तने आ जाते हैं यानी कि जब फलियां आ जाती हैं, आप देख रहे हो वीडियो के अंदर, तो उस समय हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट लगाना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट लगाने पर हमारे क्या होता है, यानी कि पोषक तत्व जमीन से हम ले लेते हैं ताकि हमारी सरसों की खेती और भी अच्छी हो सके। जब हमारी सरसों में प्रकाश संश्लेषण होता है यानी सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, और सर्दी के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, सर्दी से बचाव के लिए हमारे लिए सबसे मेन चीज़ होती है पोटाश। पोटाश को जरूर डालना चाहिए। और भी एक चीज़ आती है, आपने देखा होगा, जब पोटाश के अलावा भी हम इसमें अगर हम सरसों में बराबर बढ़त लेना चाहते हैं, अच्छी सरसों की खेती करना चाहते हैं तो हमें नाइट्रोजन भी डालनी चाहिए, नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में चाहिए। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्या बताएं आपको, माइक्रोन्यूट्रिएंट बताया है, पोटाश बताया है, और तीसरी जो है नाइट्रोजन भी बताई है। और हाँ, अगर आपके इसमें कोई रोग लग जाता है, फंजीसाइड यानी कि सफ़ेद वाला रोग, इसमें तो कोई रोग है नहीं, अभी आपको दिखा सकते हैं, पास में आओ दिखाते हैं, देखो कोई ऐसा रोग है नहीं, ना लगे भगवान करे किसी भी किसान की खेती में। और जब इसमें कोई अगर कोई आपको रोग लग जाए फंज, तो इसमें कौन से फंजीसाइड लगाना चाहिए, रोको जो होता है, रोको एक फंजीसाइड होता है यानी कि कीटाणुओं को मारने के लिए, बीमारियों को मारने के लिए एक रोको आता है, तो उससे बचाने के लिए फंजीसाइड का उपयोग करते हैं, रोको फंजीसाइड का। तो किसान भाइयों, ये जानकारी हमारे चैनल पर कैसी लगी, ऐसी जानकारी लिए हमारे चैनल किसान इंडिया UP25 को सब्सक्राइब करके जरूर से ज़रूर जाना है, ताकि आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया जानकारियाँ आएंगी कृषि से संबंधित। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। हाथ जोड़ के विनती है किसान भाइयों, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाइयों।